बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है आ सिंधी वुमेन और इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे स्टैंजा के अंदर। और इस पूरी जो पोएम है इसको हमने दो स्टैंजा में डिवाइड किया है और दो ही बनते थे इनफैक्ट। तो बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पेपर के अंदर आपको वो चार लाइनें दे सकता है, वो पूरा स्टैंजा जहाँ पे उसका पूरा मीनिंग कम्प्लीट होता है वो दे सकता है, आपको दो लाइनें दे दे, डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंग्लिश की जो है ये आपके लेवल तक बहुत आसान है, इंटर तक कोई इतना ज़्यादा वो डिटेल नहीं मांगते होते कि आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें, उसके कोई रेफरेंसेस दें। हालांकि एक्सप्लेनेशन जब पोएम की जाती है तो उसके अंदर तो ये है कि आप एक बात कह रहे हो, एक आपने सेंटेंस लिखा है, तो उस सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक और रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रेफरेंस बीच में ऐड करने होते हैं। और रेफरेंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो कि बीइंग अ मुस्लिम मैं अगर बात करूं तो उसमें तो यानी आप कुरान हकीम की आयत का कोई रेफरेंस दे सकते हैं, अगर वो एक बात जो कही गई है और उसको सपोर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इस्लाम और उस प्रिंसिपल्स के मुताबिक है, दीन इस्लाम के मुताबिक, आप उसके मुताबिक उसका रेफरेंस देंगे। और हदीस का हवाला दिया जा सकता है, किसी शेर का हवाला दिया जा सकता है, किसी और जो कोट होते हैं कोट्स का हवाला दिया जा सकता है, यानी किसी का कोई फेमस कोट है तो आप बीच में ऐड कर सकते हो, अपनी कोई बात बीच में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसी तरीके से होते हैं कि अगर कोई चीज़ निगेट कर रही है, किसी चीज़ इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बात चल रही है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको निगेट भी कर सकते हो। एक्चुअल तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे इतना डिटेल्ड में इन डेप्थ उसको जो है वो नहीं किया जाता है बात। यहाँ पे तो आपको यही है कि बस जो सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके अंदर, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पोएम होती है उसमें से कुछ वो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड को शॉर्ट करके यूज़ किया जाता है जिससे वो हमें पोएम समझ में नहीं आती। तो जो एक्सप्लेनर होता है उसका काम यही होता है कि वो उन डिफ़िकल्ट वर्ड को ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, एक चीज़, और दूसरी चीज़ वो ये करे कि उसको सेंटेंस पूरा बना के वहाँ पर लिख दे, बस ये एक्सप्लेनेशन कहलाती है। इसमें सिर्फ आपने इतना ही करना होता है कि सेंटेंसेस बना के और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको यूज़ करना होता है बस। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं, सिंधी वुमेन। और पोइम ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, यानी इसके अंदर आप कोई मैसेज यानी ये देने की कोशिश की गई, तो इंसान जो है जो मेहनती शख्स होता है, जो काम करने वाला बंदा है, मेहनती से ये मुराद है कि सही डायरेक्शन में वो मेहनत कर रहा हो, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वो कर रहा हो। और सही डायरेक्शन बाज़ दफ़ा आपको मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ यहाँ पे कि एक चीज़ आप कर रहे होगे, दूसरा बंदा कहेगा यार ये ठीक नहीं है, ये काम तुझे नहीं, उसको ये करना चाहिए, लेकिन वो दूसरा बंदा आपको नहीं बता सकता कि जो आप काम कर रहे हो वो ठीक है या गलत है। वो आप खुद डिसाइड करोगे कि ये जो काम आप कर रहे हो ये ठीक है या गलत है। एक मोची है, उसने मोची वाला काम करना है, उसने और क्या करना है। एक जो बार्बर है कटिंग करता है, तो मेरा ख्याल है उसको वो काम करना है जो उसकी स्किल्स हैं, दूसरे के लिए हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि मोची को आ जाए कि तू बार्बर बन जाता, वो तो नहीं बन सकता। या इसी तरीके यानी छोटे काम होंगे लेकिन उनके लिए बहुत बड़े हैं। एक बंदा सब्जी बेचता है, फ्रूट बेचता है, तो इसका मतलब वो फेरी वाला है, तो इसका मतलब वो उसका काम है, उसको करना है, वो उसी का, उसके अंदर वो खुश है, वो सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब उसको लेके चलना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि किसी ने किसी को तो करना है कि नहीं करना। मोचियों वाला काम क्या लोग छोड़ देंगे, या उसके बाद है तो नाइयों वाला काम लोग छोड़ देंगे। हर बंदे को इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं, और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ग्रोहों और कबीलों के अंदर इंसानों को जो है बनाया है, और इसका निज़ाम ही उसने कुछ ऐसा किया है कि उसने इल्म देकर लोगों को सिखाया है कि इनफैक्ट जो है ज़िंदगी है क्या और किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है। मकसद ही इंसान की जो ज़िंदगी है उसका यही है कि वो लोगों को जहाँ उनकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को वो पूरा करे, और यही इंसान की तख्लीक का मकसद है। तो और यही इबादत है अल्लाह ताला की कि जब आप किसी के काम आते हैं, जब आप किसी के लिए कोई भलाई का काम कर रहे हैं, या आप यूँ कह लो कि हकूकुल इबाद अगर आप पूरे करें, तो जो बंदा हकूकुल इबाद नहीं पूरे करेगा तो हकूकुल्लाह तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं माफ़ कर सकता हूँ लेकिन बंदों के हकूक माफ़ नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें दोनों को आपने साथ साथ लेके चलना, और बंदों के साथ भलाई अगर आपका मकसद और मोटिव ये है कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया है, और उसके जिसका आपने हेल्प कर दी, को सपोर्ट कर दिया, हमने किसी तरीके से भी इंसानियत को लिए बेहतर काम कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि आपको तो थैंक यू भी नहीं चाहिए अगले बंदे से कि यार आपको बंदा कह के हाँ जी थैंक यू आपने ये बड़ा अच्छा काम किया, वो भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये जो इंसान की ज़िंदगी है, एक जो लाइफ है, इसका जो स्पैन है, इसको इसी तरीके से इसी अंदाज के साथ गुजारना चाहिए और उसके अंदर बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस है इसका कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ सिंधी वुमेन रिटन बाय जॉन स्टलवर्दी। जॉन है, जान नहीं है, बुक में जान लिखा है, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट, दिस पोएम इज ट्रिब्यूट टू अ वर्किंग लेडी, यानी एक
काम करने वाली खातून को एक ट्रिब्यूट दिया गया इस पोइम के अंदर उसकी मेहनत की वजह से. कहता है द पोएट सेज दैट द वर्क क्रिएट्स अ रिदम इन लाइफ. यानी अगर आप काम करने वाले शख्स हैं तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ के अंदर एक सीक्वेंस रहेगी, एक तरतीब रहेगी, डिप्रेशन परेशानी से इंसान बचा रहता है. क्योंकि इंसान इस दुनिया में आया है तो अगर अकेला रहेगा तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, डिप्रेशन परेशानी. जो बंदा साल पहले वहाँ था, आप देखें अकेला वेला रहने वाला जो है ना शख्स, वो हमेशा ज़्यादा डिप्रेस होगा. जिसको ज़िंदगी में कुछ नज़र ही नहीं आता कि यार मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है, मेरा मकसद क्या है, वो एक जगह बैठा है तो चलो साल बैठा रहेगा, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, कब तक बैठा रहेगा. शुरू में तो चलो दिन उसे गुजरते जाएंगे, लेकिन एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको आएगा यार कि मैं क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी है मेरी, एक जगह बैठ के मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये नहीं होना चाहिए. तो उसके बाद वो करता है कि वर्क कीप्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव. जो काम है वो इंसान को मजबूत भी करता है और वो उसको एक्टिव भी रखता है. एन आइडल पर्सन विल सून डिके. यानी जो एक बेकार बैठने वाला बंदा है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा. और ये आप देख लें, जो लोग अपने आप को हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जैसे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं कुछ, या कुछ जो है वो वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, तो अपने जो मसल्स हैं उसको मजबूत रखते हैं. तो उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद यही होता है कि अपनी बॉडी को इस तरह कर लें ताकि वो आप आज आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कल को वो आपको सेव करेगी, आपको डिफेंड करेगी. एंड दैट्स रियलिटी. तो जैसे हम उस बॉडी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए, इसी तरीके से दिमाग है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, उसकी भी हिफाजत करनी है. और वो आप अच्छे जुमलों के ज़रिए से, अच्छी कोटेशन के ज़रिए से, अच्छी लर्निंग के ज़रिए से, और जो निज़ाम है अल्लाह पाक ने दिया है उसके मुताबिक आप अपने दिमाग को भी जो है वो ज़्यादा मजबूत बना सकते हो. और जब ये चीज़ें आपकी जो है वो बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी थिंकिंग, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये मजबूत होते चले जाओगे तो आगे अच्छे इंसानों में आपको शुमार होगा. आप एनर्जेटिक होगे, आप डिप्रेस नहीं होगे, डिप्रेशन से बाहर होगे, एनजाइटी, परेशानी, ये चीज़ आपके लिए नहीं रहेंगी. मुश्किलें ये नहीं कि आती नहीं है, आएंगी, लेकिन तब आप उसको महसूस नहीं करोगे. क्योंकि असल चीज़ क्या होती है, जैसे गर्मी है तो वो कहते हैं ना कि गर्मी तभी लगती है जब आप उसको महसूस करते हो, या सर्दी तभी लगती है जब आप उसको महसूस करते हो. जवानी में आप देखें बच्चे होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसको महसूस ही नहीं कर रहे. लेकिन बूढ़ा जो शख्स होता है तो जिस्म कमज़ोर हो जाता है, और फिर ऊपर से वो महसूस भी करता है तो उसको वो फील होना शुरू हो जाता है. तो ये टोटली आपके दिमाग के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हो. बात करता है द पोएट सीज अ सिंधी वुमन. इसके अंदर जो पोएट है वो एक सिंधी वुमन को देखता है इन अ कराची स्लम्स, यानी कराची की कच्ची आबादियों में. ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ द सिंधी वुमन. वो उसकी जो स्टाइल है, उसकी जो ग्रेस है, उसकी जो लुक है, उसकी जो ब्यूटी है, यानी उसका चलने का तरीका, उसके काम को डील करने का तरीका, उससे वो बड़ा इम्प्रेस होता है सिंधी वुमन से. She was carrying. यहाँ पे आएगा जी she was carrying a jar on her head and walking straight. यहाँ पे आप कर लें and walking straight. यानी वो क्या कर रही है, अपने सर के ऊपर उसने एक jar carry किया हुआ है और बिल्कुल straight चल रही है. The poet teaches us that a person who faces the difficulties of life becomes able to walk straight. यानी जो इंसान अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात को सहना सीख जाता है, सहने से ये मुराद है, एक होता है बर्दाश्त करना, एक होता है सब्र करना. इन दोनों में फ़र्क होता है. बर्दाश्त करना ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन चीज़ों को बस आप कि बस में नहीं है तो आप सिंपल बर्दाश्त कर रहे हो, वो आपको आगे नहीं लेके जा सकती. एक है कि आप उसको उस मुश्किल में से, उस परेशानी में से, उस तकलीफ में से निकलने की आप कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन फ़िलहाल आपके पास कोई चारा नहीं है, फ़िलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो वो क्या होगा कि आप यूँ कह सकते हो कि ये आप सब्र कर रहे हो, और सब्र जो है वो हमेशा आपको पे बैक करता है. क्योंकि कुरान हकीम में है, अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्ना मअस साबिरीन, इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है. कि इंसान जब सब्र करता है, बर्दाश्त करने वालों के साथ नहीं, कि बर्दाश्त करना है कि यानी यहाँ पे कुछ काम हाथ हिला ही नहीं रहे हो, बैठे हुए हो और इस उम्मीद के ऊपर के कुछ बेहतर हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं होगा. अमल से ज़िंदगी बनेगी. अल्लाह इकबाल ने कहा था अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है. तो इंसान जब कोशिश करेगा तो चीज़ें उसके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी. आइए हम स्टैंजा नंबर 1 को देखते हैं. कहता है कि बेयरफुट थ्रू द बाजार and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a
stone jar high on her head and nor a ripple in her tread. के नंगे पांव जो है वो वहाँ बाजार से गुजर रही है और same undulant grace है, यानी उसकी उसी चाल के साथ खरामा खरामा चल रही है और जैसे ही जो कपड़ा है उसके मुंह से पीछे की तरफ लहलहा रहा है तो वो स्मूथली जौर को अपने सर पर ऊंचा रखे हुए वहाँ से गुजर रही है और ज़रा भी उसके जो चाल है उसके अंदर किसी तरह की कोई डगमगाहट महसूस नहीं हो रही, यानी बिल्कुल स्मूथ है और अपने काम से उसको लगाव है वहाँ चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में वो बात करता है कि द पोएट सीज अ सिंधी वुमेन, एक सिंधी वुमेन को देखता है। सिंध इज़ अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, कि जो सिंध है ये एक पाकिस्तान का प्रोविंस है, इसके बारे में बता दिया कि सिंधी से पता चले। और इनफैक्ट दिस पोएम हैज़ बीन रिटन ऑन वॉकिंग लेडी हु लिव्स इन कराची स्लम्स, द पोएट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ हर गेट, कि जो पोएट है वो उसकी चाल से जो है वो काफ़ी जो है वो मुतासिर होता है। एंड शी इज़ वेयरिंग नो स्लीपर एंड शूज़, यानी ना तो वो किसी तरह का कोई स्लीपर पहने हुए हैं ना कोई शूज़ पहने हुए हैं। एंड एज वॉकिंग थ्रू बाजार, और फिर वो बाज़ार में से गुजर रही है। शी इज़ वेयरिंग अ शॉल विच फ्लैपिंग इन एयर, कि फ्लैपिंग का मतलब लहलहा रही है हवा के अंदर, यानी उसने एक शॉल ली हुई है वो हवा में ऐसे हवा उसको पड़ रही है तो वो लहलहा रही है। इट इज़ राइजिंग एंड फॉलिंग लाइक अ वेव, यानी ऐसे लहरें पैदा कर रही है। शी इज़ वॉकिंग स्मूथली एंड विद सेम पेस, बिल्कुल स्मूथ है, कोई उसके अंदर डगमगाहट नहीं है। शी इज़ कैरिंग अ पिचर ऑन हर हेड, यानी वो खड़ा सा या आप कह लें कि एक जौर है उसको अपने सर पे उसने रखा हुआ है। देर इज़ नॉट अ सिंगल स्लाइट लीनिंग इन हर वॉक, यानी उसकी जो चाल है उसके अंदर ज़रा भी किसी तरह का कोई डगमगाहट या लीनिंग उसके अंदर जो है वो नहीं है। तो ये होगी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद स्टैंजा नंबर टू, इनफैक्ट लास्ट स्टैंजा, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट स्टोन्स गार्बेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ग्लास इन कराची स्लम्स, आई विद माय स्टूप रिफ्लेक्ट दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, यानी उसे देखते हुए कि वो बिल्कुल सीधी जो है वो वहाँ से गुजरते हुए वो सीधी उसे वहाँ से गुजर रही है और उसको मैं देख रहा हूँ। और गुजर कहाँ से रही है, पत्थरों पर से, गार्बेज से, फजला से, किरचियाँ पड़ी हुई हैं, ग्लास के टूटे हुए यानी टुकड़े हैं उस पर से, और ये सारा कुछ कराची के एक कच्चे इलाके के अंदर ऐसा है। और कहता है कि आई विद माई स्टूप, मैं जबकि वो कहता है कि वो तो बिल्कुल सीधी है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है, हालांकि मुश्किल से भी गुजर रही है लेकिन वो बिल्कुल सीधी है। तो कहता है कि चूँकि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में सुकून में गुजारी है, तो कहता है कि आई विद माई स्टूप, मैं तो मेरी कमर झुक गई है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। तो फिर मुझे पता चलता है कि दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वही बिल्कुल सीधे रहते हैं, वो लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, कि जो कि वज़न के नीचे जीना सीख लेते हैं, तो इनफैक्ट वही जो है वो इस दुनिया के अंदर सीधा चल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि तो कहते हैं द पोएट सीज द सिंधी वुमेन वॉकिंग इन अ स्लम, कच्चे इलाके में जो है वॉक कर रही है, चल रही है। शी इज़ वॉकिंग स्ट्रेट थ्रू स्टोन डेब्रिस मैन्योर एंड द स्ट्रिप्स ऑफ द ब्रोकन ग्लासेस, शी यानी वो वहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल सीधे गुजर रही है और वहाँ पत्थर है, डेब्रिस होता है यानी जो मलबा होता है, टूटी फूटी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग गिराया जाए तो उसका जो मलबा होता है उसे डेब्रिस कहते हैं, मैन्योर यानी जो फसला वगैरह होता है, एंड द स्ट्रिप्स ऑफ द ब्रोकन ऑफ ग्लासेस, ब्रोकन ग्लास, अब ब्रोकन ऑफ ग्लासेस करने की जरूरत नहीं, ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, ये इस तरह कर लें, ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। शी विद अ वेट ऑन हर हेड इज वॉकिंग स्ट्रेट एंड स्मूथ, उसने जो क्या किया है, एक वजन है उसके सर के ऊपर वो उसने रखा हुआ है और बिल्कुल स्मूथ जा रही है। द पोएट इज लुकिंग एट हर, और जो शायर है उसके ऊपर उसकी तरफ देखता है, विद इज बेंडिंग बैक, उसकी जो कमर है वो बेंड हो चुकी है, झुक चुकी है, उसकी तरफ देखता है। एज ही इज़ कैरिंग नो वेट, और ये कमर उसकी क्यों झुक चुकी है, उसको वो ये अंदाज़ा लगाता है कि चूंकि मैंने कोई वजन नहीं उठाया हुआ इस वजह से मेरी कमर झुक गई है। और ही लर्न्स, और फिर वो सीखता है, दैट वन हु फेसेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ इज एबल टू लिव हिज लाइफ इन गुड मैनर, कि जो मुश्किलों में से गुजरता है तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेता है। एज इट इज़ मैंशन इन द कुरान करीम, इन डीड विद द हार्डशिप विल बी ईज, ये वही आयत है जो कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नमा अल उसरी यसरन, के बेशक मुश्किल के साथ
آسانی ہے. تو یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے, اور جو اللہ جس نے نظام بنایا, جس نے انسان کو پیدا کیا, تو لازم بات ہے جو بنانے والا ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے. جیسے ایک موبائل فون کوئی بندہ بنائے نا, تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. اس مینول کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے کہ چیزیں کو چلانا کیسے ہے, کس کس انوائرمنٹ, کیسا ٹیمپریچر اس کو چاہیے, کیسا انوائرمنٹ آپ کو اس کو دیں گے, کیسے اس کو یوز کرنا ہے, وہ سارا چیزیں ہوتی ہیں. اب جو اس کو فالو کرے گا تو وہ اس کا مطلب مشین کو بہتر استعمال کر پائے گا. تو جو اس کو مینول کو فالو نہیں کرتا یا چیزوں کو اس طرح نہ فالو کرے, تو کیا ہوگا, چیز کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے پورا مینول دیا ہے جی انسان کو کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, جس سے آپ کی یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور پھر دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, یعنی خالی کوششیں نہیں ہیں. اسلام نے تو پورا ایک نظام دیا ہے جس کے اندر آپ کی کوشش کے ساتھ ساتھ آپ کی دعا ہے. اور کیا پیاری دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اے اللہ, یعنی دنیا کی بہتری کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے کہ میری دنیا بھی مالک مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور مجھے آخرت میں بھی حسنہ عطا کر. یعنی دنیا کا نام پہلے ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کٹ آف نہیں کرتا آپ کو دنیا سے, کہ آپ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کوئی رابانیت کی زندگی اختیار کر لیں اور جنگلوں کا رخ اختیار کر لیں اور بس اللہ اللہ کرتے رہیں. نہیں, اسلام کی یہ نہیں ہے. اسلام تو آپ کو پورا ایک نظام دیتا ہے کہ آپ کو اپنی دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے. تو یہ ہے اس کا طریقہ کار جس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا دے, تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور لوگوں کے ساتھ ہم اس کو شیئر بھی کر سکیں. بس یہ تھا آج کا ٹاپک اور ویڈیو یہ تھی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو ڈس لائک کر لیں. اور بس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.